ये क्या खींच के खा रहा है, चल बैठ पीछे, 15 अगस्त वाला दुनिया भुजा मांगने चलते हैं। पन्नी पन्नी मिलेंगे तो इज्जत नहीं कम हो जाएगा? काहे का इज्जत कम हो जाएगा, इज्जत रहेगा तब ना कम होगा। और ये सोच, तू जिस स्कूल में जाएगा ना बस उसी स्कूल में तुम्हारा इज्जत कम होगा, लेकिन यही बुनिया भुजिया तू अपने घर पे लेके जाएगा तो तुम्हारा इज्जत घर में कितना बढ़ेगा ये सोच, तुम्हारी माँ कितना खुश होगी और तो और तुम्हारी बहन कितना खुश होगी, सोच एक बार सोच। हाँ दोस्त, हाँ बहुत इज्जत बढ़ गया, तू भी सोच दोस्त, तुम्हारा बहन कितना खुश होगी, सोच दोस्त सोच कितना खुश होगी। पहले आंख बंद करो, अब खोलो। इतने बुनिया भुजिया आपने खा लीजिए। क्या हुआ दोस्त? वो थोड़ा ज्यादा इज्जत बढ़ गया ना घर में, तो थोड़ा खुशी से शौक हो गया इसलिए। अच्छा ये सब छोड़ दोस्त, पन्नी ला और चल मांगने के लिए, बैठ बैठ चल। तो इज्जत तो बहुत इज्जत अपने घर में, हमारा भी बहुत है। अबे मैं पहले ही कहा था जल्दी चल, देख बुनिया भुजिया बटा गया ना, चपरासी साहब बाहर निकलने गेट लगा के। अरे भाई तो ये एक बार ट्राई कर ना कुछ ना। चपरासी साहब बुनिया भुजिया बटा गया कि 15 अगस्त वाला? से पपीता तो से टमाटर, मैं चपरासी नहीं बेटा, मैं हूँ मास्टर। चपरासी सर मेरा मतलब मास्टर साहब, मैं कह रहा था कि 15 अगस्त वाला बुनिया भुजिया बटा गया कि? अब क्यों मारे? 14 अगस्त है, 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त कल है। इतना जोश बुनिया भुजिया खाने का एक दिन पहले ही आ जाता है। जब पहले तुझे पता था 14 तारीख है तो मुझे क्यों लेके आया यहाँ पे जबरदस्ती? हम तो पहले ही बोल रहे थे, हमको बोलने कहा दिया? अच्छा बोलने दे रहे, चल कल आते हैं। कल आएंगे जरूर, सो जा दोस्त सो जा, कल लेके आना ही है ये पानी। इतना हर भरा मत, बुनिया भुजिया ऊपर बटा रहा है। थैंक गॉड बुनिया भुजिया अभी खत्म नहीं है, ऊपर बटा रहा है छत पे। कतरनी की ये सोलो मौसम तो मैं एडिटिंग में भी लगा लूंगा, तू जल्दी चल बुनिया भुजिया बटा जाएगा। रे रे मुंह क्या छिपा रहा है, तुम्हारा पचमा वार है ना, रे 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 जल्दी वहां से निकलो, मुंह बच के आ जाता है। रे तू दोनों यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी इधर। वो 15 अगस्त वाला बुनिया भुजिया लेना था। बुनिया भुजिया लेना है? सुरेश सर के पास जाओ। सुरेश सर? हाँ सुरेश सर के पास। रुकिए सुरेश सर, एक ही शर्त पे बुनिया भुजिया मिलेगा। हमें हर शर्त मंजूर है। बोलो भारत माता की जय। इसमें कौन दिक्कत है? भारत माता की जय। क्या सुरेश सर इसमें कौन दिक्कत है? नहीं, नहीं भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें थोड़ी दिक्कत है यार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, थोड़ी कौन दिक्कत थोड़ी है, कौन दिक्कत? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, रहेगा, कौन दिक्कत नहीं सर। ठीक है बेटा बुनिया भुजिया ले लो और घर चले जाओ। बोलो भारत माता की जय, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौन दिक्कत हो रही है, कौन दिक्कत? हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा, बुनिया भुजिया ले लो और घर चले जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो मास्टर साहब? मास्टर साहब नहीं, चपरासी साहब। अच्छा चपरासी साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आप बुनिया भुजिया बटाते देते टाइम कहे थे कि बोलो भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो कुछ तो वजह हुआ होगा तभी हमसे आप बुलवाए, नहीं तो नहीं बुलवाते, तो इसके पीछे मैं कारण जानना चाहता हूँ। क्योंकि बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का और गुण किसी और का गाते हैं, इसलिए बेटा तुम लोग से बुलवाया था। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।